Hey everyone, welcome back. हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक कॉलेज लव स्टोरी जिसका नाम है Do You Love Me As I Love You। इस फिल्म के एंड में कई सारे ट्विस्ट आते हैं, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। वो अपने यूनिवर्सिटी की ओर जाते हुए हमें अपने बारे में बता रही थी। मेरा नाम है शौशांक, मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है, मानो जैसे वो मेरा शरीर हो और टैरो कार्ड्स मेरी आत्मा। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, पढ़ने में ठीक ठाक पर बाकी काम में मेरा ध्यान ज्यादा लगता है, खासकर लड़कों के मामले में। लेकिन बचपन से लेकर इतने बड़े होने के बाद भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, और ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आसपास सब लोग आपको रिलेशनशिप में दिखें। मेरे कॉलेज में एक प्रथा है एक लिस्ट बनाने की, जिसे हम मिशन इम्पॉसिबल लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम को डाला जाता है जो कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, पर हमें लगता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। मेरी इच्छा है काश मेरा भी नाम किसी लड़के के साथ उस लिस्ट में आए, पता नहीं मेरे साथ ऐसा कब होगा। अब हमें शौशांक के दोस्तों को दिखाया जाता है, उसकी रूममेट ये जिंक जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लोग उसे एक गॉडेस की तरह ट्रीट करते थे एंड उसे रोल मॉडल भी मानते थे। ये जिंक को अक्सर अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन करने के लिए कॉलेज के हैंडसम लड़कों के साथ फोटोज पोस्ट करनी पड़ती थी ताकि वो चर्चे में रहे, एंड उसके इस काम को संभालती थी शौशांक। वहीं शौशांक का दूसरा दोस्त था जाओ, जो कि बचपन से लेकर आज तक उसके साथ था, किंडरगार्टन, फिर स्कूल, हाई स्कूल और अब सेम कॉलेज भी। जाओ इस बात को एक अजीब डेस्टिनी मानता था कि हर बार वो सेम जगह ही पहुंच जाते हैं। शौशांक और जाओ बचपन से इतने ज्यादा क्लोज थे कि कब शौशांक के दिल में जाओ के लिए फीलिंग्स आ गई उसे पता भी नहीं चला। आज वो अपने एक दोस्त के पास आती है जो उसके टैरो कार्ड्स को रीड करता है, एंड वहां पर जब वो एक कार्ड को चूज करती है ये पता लगाने के लिए कि उसकी लव लाइफ जाओ के साथ कैसी होने वाली है, तो उसमें उसे पता चलता है आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह है। आज ही उसे अपना प्यार उसे कन्फेस कर देना चाहिए। वो पूरे कॉन्फिडेंस में कॉलेज कैफे पहुंचती है, वहाँ बाकी सारे बच्चों के बीच जाओ भी बैठा हुआ था। जैसे ही शौशांक जाओ को प्रपोज करने आगे बढ़ती है उसी समय जाओ उठकर ये जिंक से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये जिंक, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। ये देख शौशांक को बहुत जोर का झटका लगता है, जो सिर्फ वही समझ सकती थी, अपनी क्रश को अपने ही बेस्ट फ्रेंड को डेट करते देखने का दुख। वहां पर ये जिंक एट द मोमेंट जाओ का कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर थी, एंड अगर वो इस कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेगी तो उसके चर्चे कम हो जाएंगे। एंड अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए वो जाओ से कहती है, मैं तुम्हें तब डेट करूंगी जब तुम मेरे एक टास्क पूरा करो। वो पूछता है, ऐसा कौन सा काम है। इस वक्त पूरा कॉलेज उन्हें लाइव देख रहा था। ये जिंक कहती है, तुम्हें मिशन इम्पॉसिबल लिस्ट के जो टॉप 3 कपल्स हैं उन्हें सच में डेट करवाना होगा, तब बात बनेगी, और ये काम करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, तभी तो लिस्ट का ऐसा नाम है। जब बाद में शौशांक ये जिंक से पूछती है, क्या तुम्हें जाओ सच में पसंद भी है जो तुमने उसे ये करने को कहा। वो कहती है, जाओ दिखने में तो बहुत प्यारा है लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती, पर एक चांस देने में क्या जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ये जिंक की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, क्योंकि पूरे कॉलेज को एक गॉसिप मिल गया था कि क्या जाओ सच में इन 3 इम्पॉसिबल कपल्स को डेट कराने के लिए मना पाएगा। फिर अगले सीन हम देखते हैं जाओ शाम को शौशांक से गेमिंग पार्लर में पूछता है क्या वो उसकी मदद करेगी इस टास्क में। शौशांक अपराइट मना कर देती है लेकिन वो जिद करने लगता है, जिस बीच अचानक एक बॉक्सिंग ग्लव से पीछे आ रहे गुंडे को चोट लग जाती है। वो गुंडा गुस्से में अपने दूसरे साथी को बुलाता है और वहां वो शौशांक से बदला लेना चाह रहा था। जाओ कहता है, यह गलती से हुआ तो प्लीज इसे छोड़ दो, लेकिन वो दोनों उल्टा उसे ही पीट देते हैं। इतने में शौशांक किसी को मदद के लिए कॉल करने लगती है और फिर वो दोनों वहां से बचकर भाग निकलते हैं, लेकिन वो गुंडे उनके पीछे लगे हुए थे। उनसे बचने वो दोनों सामने के कोल्ड रूम वाले दरवाजे के अंदर छुप जाते हैं। उस दरवाजे के अंदर खड़े रहने के लिए स्पेस बहुत ही कम था, तो वहां उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाती है, क्योंकि जब तक गुंडे वहां से जाते नहीं तब तक वो निकल भी नहीं सकते थे। कुछ देर में बाहर आने के बाद उन दोनों के बीच एक लंबी शांति रहती है। फिर वो दोनों बेसमेंट से घर आने लगते हैं, पर तभी दोनों गुंडे वहां उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर यह देख लगता है कि ये दोनों ऑलमोस्ट खत्म, पर तभी स्कूल की बॉस लेडी मिस यू आकर उनकी जान बचा लेती है। वहां से फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, एंड पूरी रात दोनों कल शाम वाले इंसिडेंट के बारे में ही सोच रहे थे। कल फिर शौशांक जाओ की टास्क में मदद करने के लिए मां जाती है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल लिस्ट में जो पहली पेयरिंग होती है वो बॉस लेडी मिस यू की ही थी, जो कि बहुत ही खतरनाक है, लाइक ये किसी को नहीं छोड़ती, और इनके गैंग के होते हुए वो इन्हें प्यार करने के लिए कैसे मनाए। मिस यू की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़का था जिसे वो पसंद करती थी, एंड इस बंदे की पर्सनैलिटी उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट थी। हम देखते हैं वो बंदे कन्वीनियंस स्टोर पर काम करता था और वो इतना शांत और चालाक था कि वो बड़े बड़े गुंडों को सिर्फ बातों से हरा सकता था। एक बार एक आदमी चाकू लेकर कन्वीनियंस स्टोर को लूटने आता है, लूटने के लिए भी कन्वीनियंस स्टोर ही मिला।
वहां पर वो बंदा और मिस यू दोनों खड़े थे। मिस यू अपनी पॉकेट से हथियार निकालती है उस बंदे को बचाने के लिए, लेकिन वो बंदा जो उस आदमी के सामने जाकर कहता है, आपके हुलिये को देखकर लगता है आप भूखे हो, आपके हाथ में रिंग है मतलब कि आप मैरिड हो, शक्ल से लगता है आप एक फादर भी हो, इसलिए आप जो चाहो इस दुकान से ले सकते हो। तही दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। एंड मिस यू ये देखकर हैरान थी। अब मिस यू के गैंग के लोग उस बंदे को अपने गैंग में एक जगह ऑफर करते हैं, पर वो साफ मना कर देता है क्योंकि उसे इसका कोई उद्देश्य नहीं दिखता। अब लिस्ट में दूसरा नाम था प्रोफेसर स्टोन का, जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट की थी। उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो पत्थर दिल की है। उन्होंने निश्चय किया था कि वो किसी को भी डेट कभी नहीं करेगी, लेकिन वो रेगुलरली जिस जिम में जाती है वहाँ के ट्रेनर सालों से उन पर नज़र टिकाए हैं और कहा जाता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। आयू कॉलेज की एक नर्ड स्टूडेंट जिसे पढ़ाई के सिवा सिर्फ एक चीज़ सूझती है, वो है डैन। डैन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, लेडी सारी लड़के उसके पीछे पागल है, फिर भी आयू उसके पीछे अपनी किस्मत आजमाती है पर वो उसे हर बार रिजेक्ट कर देता है। आयू क्योंकि एक टॉपर थी इसलिए वो डैन को इम्प्रेस करने के लिए एकदम सुंदर से नोट्स बनाकर लाती है, पर वो ठहरा स्पोर्ट्स वाला बंदा, वो घंटा इसमें इंटरेस्ट लेने वाला था। ये तीन कपल्स को देख शौक शंगा जाओ एक एक कर अब उनके टैरो कार्ड्स देखने लगते हैं, जिनमें तीसरे कपल आयू और डैन के कार्ड्स इस बात को बता रहे थे कि इनकी लव स्टोरी तो परफेक्ट है पर फिर पता नहीं क्यों ये डेट नहीं करे, जरूर इनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों फिर आयू का पीछा करते हैं। रास्ते में एक क्लब पड़ता है और वो अचानक वहाँ गायब हो जाती है। जाओ गौर करता है कि इस क्लब की जो डीजे है उसका नाम है सुशी एंड वो मास्क लगा कर रहती है और वो और कोई नहीं बल्कि आयू ही थी। दरअसल पार्ट टाइम वो एक डीजे की तरह काम करती थी एंड कोइंसिडेंटली डैन की फेवरेट डीजे सुशी ही थी यानी कि आयू। यहाँ से शाओशांग अपने हॉस्टल आ जाती है जहाँ ये जिंग उसे पूछती है, तुम जाओ के साथ टास्क पे हो ना, तो बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ। शाओशांग कहती है, अभी तो हम पता कर रहे थे उन तीन कपल्स के बारे में, वहां पर ये जिंग टैरो कार्ड्स की मदद से जाओ और अपना भविष्य देखने के लिए शाओशांग से कहती है। टैरो कार्ड्स में डेथ का कार्ड आता है और ये देख ये जिंग को लगता है उसका जाओ का कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन वहां का तीसरा दोस्त ये जिंग के जाते ही शाओशांग से कहता है, तुमने ये जिंग को पूरी बात क्यों नहीं बताई कि डेथ कार्ड का मतलब नई शुरुआत होता है। शाओशांग कहती है, अब जाने भी दो ना, दरअसल वो नहीं चाहती थी कि ये जिंग और जाओ करीब आए क्योंकि वो खुद जाओ को पसंद करती थी। फिर हमें ये जिंग की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि दरअसल उसकी खुद की मदर बहुत ही बीमार है और वो सालों से हॉस्पिटल में एडमिट है। कॉलेज में होने के बावजूद हॉस्पिटल के सारे बिल्स ये जिंग खुद ही पे करती है और साथ ही अपने कॉलेज को भी मैनेज करती है। हमें समझ आता है ये सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी उसे इसीलिए चाहिए थी ताकि इन पैसों से वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके। वो एक अटेंशन सीकर नहीं थी बल्कि ये उसकी नेसेसिटी थी। वहाँ जब ये जिंग अपनी मॉम के लिए फ्रूट्स लेकर जा रही थी तब नर्स उसे बताती है कि आपसे पहले एक लड़का आया था, वो रोज़ यहाँ पर आता है और आपकी मॉम का ख्याल रखता है, वो फ्रूट्स भी लेकर आया था, वो बहुत ही अच्छा दिखता है। ये जिंग ये सुन हैरान रह जाती है कि उसके कॉलेज का एक लड़का उसकी मॉम के लिए फ्रूट्स लेकर क्यों आता है। वो लोग बताते हैं उसका नाम शायद जाओ है और ये सुन वो हैरान रह जाती है। ये सब तो ठीक है पर कोई इनसे ये पूछो बिना पेशेंट की फैमिली के कोई पेशेंट के रूम में कैसे आ सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जाओ और शाओशांग जिम ट्रेनर के पास आते हैं प्रोफेसर स्टोन से रिलेटेड बात करने। वहां पर जिम ट्रेनर रिवील करता है कि मिस स्टोन सालों से उन्हें जानती है। दरअसल मिस स्टोन पहले एक पेंटर थी और उन्हें ढेरों अवार्ड्स मिले, पर एक बार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आने के बाद वो दोबारा हर बार सेकेंड आ जा रही थी। इससे फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने पेंटिंग छोड़ दी। जिम ट्रेनर बताते हैं कि वो मिस स्टोन के बैचमेट रह चुके थे और वो उन्हें पसंद करती थी। मिस स्टोन ने उन दोनों के साथ में एक पेंटिंग भी बनाई थी, इसलिए जिम ट्रेनर मिस स्टोन के पास पेंटिंग के टूल्स लेकर जाते हैं ताकि वो दोबारा से पेंटिंग को शुरू करें, लेकिन वो वहां पर उससे नाराज हो जाती है और तब से वो उनसे बात नहीं करती। शाओशांग जाओ जाकर मिस स्टोन का पीछा करते हैं कॉलेज के बाद एंड वहां पर वो देखते हैं मिस स्टोन एक घर से कार में से निकल रही है और उनके साथ हस्बैंड और एक बेबी भी साथ में बाहर आ रहे हैं। ये बात जब वो जिम ट्रेनर को बताते हैं तो वो सीधा जाकर मिस स्टोन से मिलता है। मिस स्टोन को वो सालों पुराना उनका स्केच बुक लौटा कर कहता है, मैं इतने दिनों से जिम में तुमसे इसलिए मिलता था क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी, पर कोई बात नहीं अब मैं गांव जा रहा हूँ, वहाँ मेरी फैमिली रहती है, मैं एक टीचर बन जाऊँगा। जैसे वो वहाँ जाने के लिए निकलते हैं तभी मिस स्टोन अचानक गिर जाती है, वो उसे बैग पे उठाकर एक राइड देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाम को जब शाओशांग हॉस्टल आती है तो ये जिंग उसे कह रही थी, प्लीज़ क्या तुम जाओ को यहाँ बुला सकती हो। शाओशांग हैरान होकर पूछती है, तुम्हें तो वो पसंद नहीं था ना। जिस पर ये जिंग कहती है, उसने मेरी मदर के लिए जो किया उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। शाओशांग जाओ को हॉस्टल के बाहर छोड़कर खुद चली जाती है। जाओ अंदर आते ही ये जिंग को देखता है, वो उसे पूछती है, क्या तुम मेरी मॉम के लिए रोज़ फ्रूट्स लेकर जाते थे
और उनसे मिलते थे। वो धीरे से कहता है, हाँ पर क्यों? जिस पर वो उसे गले से लगा लेती है एंड वहाँ पर वो उसे किस कर लेती है। वो उसे कहती है, अब तुम्हें और मिशन इम्पॉसिबल लिस्ट को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। पर वहाँ से बाहर आते ही मिस यू के आदमी उन दोनों को अगवा कर लेते हैं। शाओशांग और ज़ाओ मिस यू पर नज़र रख रहे थे और ये बात जैसे ही उन्हें पता चली वो उन्हें कैसे ही छोड़ती। वहाँ वो पहले शाओशांग को बहुत सारे ड्रिंक्स पिलाने जा रही थी एक पनिशमेंट के तौर पर, लेकिन उसके बदले सारे ड्रिंक्स ज़ाओ खुद पी लेता है और नशे की हालत में वो मिस यू से कहता है, प्यार में रिजेक्ट होने के डर से बेहतर है कन्फेस करने की हिम्मत, जॉब में नहीं है मिस यू। उसकी बात मिस यू के दिल पे लग जाती है और अब उन्होंने ठान लिया था कि वो कन्वीनियंस स्टोर वाले बंदे जो को अपना प्यार जरूर कन्फेस करेगी। वहीं दूसरी तरफ आई यू का राज भी कि वो मिस्टीरियस सिंगर सुशी है शाओशांग और ज़ाओ को पता चल गई थी और ये बात वो अपने एक दोस्त की मदद से डैन को भी बताना चाहते थे क्योंकि डैन को सुशी बहुत पसंद थी लेकिन आई यू बिल्कुल नहीं, जबकि वो दोनों एक ही शख्स हैं। पर जब ये बात आई यू को पता चलती है कि ये दोनों सुशी वाली मिस्ट्री डैन को बता रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानती थी डैन ये सच जानकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, बल्कि वो शायद ये जानने के बाद सुशी को भी सुनना बंद कर दे। शाओशांग और ज़ाओ सक्सेसफुली दो मिशन में फेल होने के बाद तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिस यू आज एक गैंगस्टर से एकदम अलग क्यूट लेडी की तरह ड्रेस होकर कन्वीनियंस स्टोर वाले बंदे से मिलने जाती है। वह भी उन्हें इग्नोर कर रहा था। बस पे अचानक कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और हाथापाई करने मिस यू जाती है। बीइंग अ गैंगस्टर उन्हें इन्हें हरा देना चाहिए था लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाती एंड बस ड्राइवर ऑफिसर्स का नाम लेकर उन्हें भगा देते हैं। फिर जो उनको हॉस्पिटल लेकर आता है एंड वहाँ पर ज़ाओ और शाओशांग भी पहुँच जाते हैं। मिस यू की हालत देख वो कहते हैं, आप भी रिजेक्ट हो गए। वो इससे पहले कुछ कहती वो बंदा सब कुछ समझ जाता है और कहते हैं, प्लीज़ जैसे मेरे लिए आप कभी ऐसा मत करना, आपको मेरे लिए लड़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, आइंदा से तुम्हारा क्या मतलब है, यानी तुम उसे आगे भी मिलोगे ना। एंड यहाँ पर ये दोनों पहली बार किसी पेयरिंग को मिला पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हॉस्टल में ये जिंग शाओशांग से कहती है, मुझे भी तुम्हारी तरह टैरो कार्ड्स रीड करना सीखने हैं। वो कहती है, क्यों छोड़ो ना। पर ये जिंग वहाँ पर जिद करी थी। वो कहती है, इस बार तुम अपने टैरो कार्ड्स को चूज़ करो और बताओ तुम्हारे वाले का क्या मतलब है। शाओशांग ऐसा करती है, उसके कार्ड का मतलब आता है सैक्रीफाइस। ये सुन ये जिंग कहती है, कैसी सैक्रीफाइस, जो तुम्हें देना है। शाओशांग कहती है, शायद करियर वाइज कुछ होगा, छोड़ो भी। ये जिंग कहती है, ये कार्ड्स लव लाइफ के बारे में बताते हैं ना, तो करियर क्यों। इस पर ये जिंग कहती है, मुझे लगता है ये प्यार को लेकर सैक्रीफाइस है ना, कहीं तुम भी ज़ाओ को पसंद तो नहीं करती। शाओशांग कहती है, मैं और ज़ाओ, शक्ल देखी है उसकी। ये जिंग कहती है, मुझसे झूठ मत कहो। शाओशांग कहती है, हाँ वैसे शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है। वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो ज़ाओ को पसंद करती है लेकिन वो उसे कभी भी अपना प्यार कन्फेस नहीं करेगी क्योंकि ज़ाओ ये जिंग को पसंद करता है एंड वो उन दोनों के लिए खुश है। ये जिंग सुन एकदम इमोशनल हो जाती है कि कोई दोस्ती के लिए इतना बड़ा सैक्रीफाइस कैसे दे सकते हैं। वहाँ पर वो उसे एक और मदद मांगती है कि आज के बाद वो ज़ाओ से कभी ना मिले क्योंकि जब वो दोनों साथ में होते हैं तब ये जिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाओशांग इस बात को भी मान लेती है एंड अगले दिन फ़ोन ऑफ कर वो जिम ट्रेन को गाँव जाते समय सी ऑफ करने आई थी लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ बार बार उसे डायल कर रहा था क्योंकि वहाँ पर उसे एक खास बात पता चलती है। वक्त हुआ वहाँ पर पहुँचता है, तब तक जिम ट्रेनर निकल चुके थे। शाओशांग को वो बाइक पे बैठा बस के पीछे निकल जाता है। शाओशांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस पे पूरे रास्ते जिम ट्रेनर के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कभी भी अपने प्यार मिस स्टोन को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तभी सामने बाइक लगा, ज़ाओ अंदर आकर कहता है, मुझे आपको कुछ खास बताना है। वो ये देख हैरान रह गए थे एंड तभी फ्लैशबैक में रिवील होता है कि यहाँ आने से पहले सुबह सुबह ज़ाओ उसी आदमी के पास गया था जिसकी और बेबी के साथ मिस स्टोन गाड़ी में कहीं जा रही थी। ये आदमी एक्चुअली मिस स्टोन का डॉक्टर है, उनका हस्बैंड नहीं, और वो बेबी इसी डॉक्टर का था। ज़ाओ को बताते हैं कि मिस स्टोन को पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीतने के बाद ALS नाम की डिजीज़ हो गई और इस डिजीज़ में बॉडी पैरालाइज होने लगती है जिस वजह से उनकी पेंटिंग करने की कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई और इसलिए उन्होंने पेंटिंग को छोड़ दिया। ये बात जान जिम ट्रेनर भागता हुआ मिस स्टोन के पास पहुँचता है जहाँ पर वो कहता है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती है, 10 साल पहले हम अलग हुए थे, तब तुम बहुत जवान थे और बहुत अच्छे भी दिखते थे, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाती और तुम खुशी से जी सकते थे, तुम्हें कौन होती, तुमसे तुम्हारी खुशी छीनने वाली। वो कहता है, क्या प्यार का ये मतलब नहीं कि आपके पार्टनर को जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब आप उसके साथ रहो। क्या प्यार में सैक्रीफाइस नहीं होता, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, 10 साल पहले भी और आज भी। और ये बात मिस स्टोन का दिल जीत लेती है। अब ज़ाओ और शाओशांग ने दूसरे पेयरिंग को भी यूनाइट करवा दिया लेकिन उनके खुद के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि ये जिंग ने शाओशांग से कहा था ज़ाओ से दूर जाने के लिए और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। कॉलेज की टाइमिंग्स वो अपनी चेंज कर लेती है, मैसेजेस का रिप्लाई देना वो बंद कर देती है
और जाओ ये देख परेशान हो रहा था। अब शाम को ये जिंग जाओ को अपने हॉस्टल रूम बुलाती है। जाओ के पास आकर उसे अचानक किसकती है, लेकिन जाओ मानो एक पत्थर के जैसे बिल्कुल स्थिर था, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये जिंग पीछे हटती है और स्माइल करती है, एंड जाओ भी स्माइल करता है। इसके बाद वो दोनों एक क्लब आ जाते हैं। सुशी आज भी परफॉर्म करी थी, पर अचानक वहाँ पर डैन आकर सुशी का मास्क हटाता है, एंड हम देखते हैं सच पता चल गया था। वो उसे कहता है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आयु कहती है, सिर्फ यही एक चीज़ थी मेरी जो तुम्हें पसंद थी, अगर ये भी बता देती तो शायद तुम चले जाते। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ पर वो दोनों भी यूनाइट हो जाते हैं। एंड दू शाओशांग भी उन्हें देख बहुत खुश थी, पर जैसे ये जिंग उसे देखती है तो शाओशांग वहाँ से चली जाती है। एक बार में आकर बहुत सारे ड्रिंक्स करती है और वहीं पर उसे नींद आ जाती है। बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं ड्रिंक्स करने। अचानक वहाँ पर मिस यू के राइवल गैंग के लोग आ जाते हैं, बीच लड़ाई हो गई थी। एंड हमें वह ये तो नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या हुआ, क्योंकि तुरंत सीन अगली सुबह शिफ्ट हो जाता है। शाओशांग की नींद अपने घर पर खुलती है, वो कॉलेज आ जाती है, जब डैन और बाकी लोगों से उसे पता चलता है जाओ हॉस्पिटल में एडमिट है, कल रात उसे बहुत चोट आई थी। ये सुन वो पागलों की तरह भागते हुए हॉस्पिटल आती है। वो ऑलरेडी उसका दोस्त और ये जिन मौजूद थे। डॉक्टर ने बताया था कि जाओ की कंडीशन बहुत ही खराब है और वो बहुत देर से अनकॉन्शियस है। शाओशांग ये जिन से पूछती है, प्लीज बताओ जाओ को क्या हुआ? वो कहती है, कल हाथापाई में उसे किसी ने चाकू से स्टैब कर दिया, पर प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। शाओशांग ये सुन बिल्कुल चुप रह गई थी। वो कहती है, क्या तुम मुझे इसलिए जाने के लिए कह रही हो क्योंकि मैं भी जाओ को तुम्हारी तरह पसंद करती हूँ? वो कहती है, हाँ, इसलिए प्लीज चली जाओ, मैं उसे देख लूँगी। शाओशांग एकदम इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जैसे ही जाओ की नींद खुलती है, वो सबसे पहले शाओशांग का ही नाम लेता है। अब कुछ दिनों बाद वो ठीक होकर कॉलेज में आ जाता है, जब सब बच्चे उसका वेलकम करते हैं। एंड इसके कुछ दिनों बाद ग्रेजुएशन का दिन आ गया था। पूरे फिल्म में ना पढ़ाई हुई ना एग्जाम्स, एंड ग्रेजुएशन का दिन भी आ गया। जाओ शाओशांग से बात करने जाता है, पर वो कहती है, मेरा अभी बॉयफ्रेंड है इसलिए मुझसे अब दूर रहना प्लीज़। जाओ का ये सुन दिल टूट जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। एंड ये सब कुछ दूर से ये जंग देख रही थी। इसके बाद वो रास्ते में चलते हुए इमोशनल हो जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखते हैं ये जंग एक कमरे में पेंट करी थी। जाओ उसके पास जाता है, लाइव स्ट्रीम ऑन करके जाओ के पास आकर कहती है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, जिसे तुम प्यार करते हो उसके पास आओ। वो लाइव स्ट्रीम में आकर कहती है, जाओ और मेरी डेट बस एक टेस्ट था मेरे रियल बॉयफ्रेंड के लिए, जिसे मैं जल्दी रिवील करूँगी। और ये बोलकर वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। इसके बाद वो जाओ से कहती है, मैं उस शख्स के पास होना चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो। शाओशांग को उसके दोस्त के थ्रू पिछली रात क्या हुआ इस बारे में पता चलता है। हम देखते हैं उस रात जब राइवल गैंग के लोगों ने उन पर हमला किया था, तब सब लोग तो लड़ रहे थे, पर शाओशांग ड्रिंक्स कर बेहोश हो गई थी और जाओ उसे ही बचा कर ले जा रहा था, जब एक गुंडे ने उसे स्टैब कर दिया। वो मरने की हालत में भी शाओशांग को ही बचाना चाह रहा था, और हॉस्पिटल में भी होश आते ही वो उसी को याद कर रहा था। इस बात से ये जिंग समझ जाती है कि जाओ ने उसकी मदर के लिए जो किया वो उसका काइंड नेचर था, लेकिन असलियत में वो शाओशांग को ही लाइक करता है। इस बात का जैसे ही शाओशांग को पता चलता है, वो जाओ को ढूंढने लगती है हर तरफ, ये जानने के लिए कि अगर यही बात थी तो उसने कभी उसे बताया क्यों नहीं, और उसने फिर शुरुआत में ये जिंग को कन्फेस क्यों किया। पर दूसरी तरफ देखते हैं जाओ इतना सब होने के बाद दूसरे शहर के लिए निकल जा रहा था, और वो ट्रेन में बैठ चुका था। शाओशांग इधर उधर जब से ढूंढ रही थी, तभी रेडियो में उसका फेवरेट शो स्टार्ट हो जाता है। एंकर कहते हैं, आज की कहानी एक लड़के की है, उसने नाम छिपाकर अपनी कहानी भेजी है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इसे सुनने लगती है, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बचपन के दिनों से मुझे एक लड़की पसंद थी, कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई उससे अपने दिल की बात कहने की, इसलिए उसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगा। मैं उसके साथ हमेशा मस्ती करता था, वो मेरी गो टू पार्टनर थी। एक दिन मैंने सोचा उसे कन्फेस करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट जाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने उसे हिंट्स देने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड को कन्फेस किया, लेकिन सारी बातें जो मैंने कही वो मैं उसके लिए मीन करता था। मैंने कई बार उसे बताने की कोशिश की, पर हर बार एक डर सताता था, इसलिए मैं पीछे हट जाता। अब जब जो इस बारे में मैं सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई, मैं अभी शहर में और इसलिए नहीं रहना चाहता। एंकर कहते हैं, ये बंदे ने अपना नाम मेंशन तो नहीं किया, लेकिन खत के अंत में उसने दो नाम लिखे हैं, शायद ये नाम उसके और उसी लड़की के हैं, जाओ और शाओशांग। रेडियो में ये सारी बातें सुन शाओशांग शॉक और इमोशनल हो जाती है। वो मिस्टोन और जिम ट्रेनर की कार में जल्दी से, बट तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। ये देख वो एकदम हताश हो गई थी, पर तभी पीछे से शाओ वहाँ पर आता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे ही मिलने रुक गया। वहाँ पर आखिरकार वो उसे अपना प्यार कन्फेस करता है, और शाओशांग उसके सीधे जाकर गले लग जाती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू।